Today our topic is expansion. We are going to start expansion. Question number 2x plus 5y plus 3 and in another bracket 2x plus 5y plus 4. We have to expand these two terms. Okay, now what will we do? ये एक टर्म है और ये एक टर्म, बिल्कुल है ना, जैसे 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है और ये डिफर कर रहा है बस 3 एंड 4. ओके, नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल ट्रीट दिस टर्म्स लाइक कैपिटल ए एंड दिस इज बी, यस दिस इज बी एंड बट दिस इज सी. ओके, नाउ व्हाट विल वी डू इन डिफरेंट फेजेस, a plus 3 and a plus 4, let 2x plus 5y is equal to capital A. On multiplying these two bracket, a square plus a into 4, iska sign plus iska sign plus hai, plus a into 4, 4a. Now 3 into a plus 3 plus a plus 3 into a 3a plus 3 4 za 12. ठीक है, नाउ 4a plus 3a will become, these are the like terms, it will add or subtract, 4a and 3a will become 7a plus 12. Now on putting the value of a square, but before a square we can solve it if this is a quadratic polynomial, but no need. A square, that means 2x plus 5y the whole square plus 7a, that means 2x plus 5y plus 12. On another hand, this is a plus b whole square, and by expanding a plus b whole square we will have a square plus b square plus 2 into a into b plus 7 2x plus 5y, and we are going to multiply 7 into 2, 7 to the 14x, 7 5 is 35 plus 35y plus 12. Now this is 4x square plus 25y square plus 2 to the 4, 4 5 is 20, 20xy plus 14x plus 35y plus 12. This is the final answer. Got it? Now moving on the question number 7. Moving on the question number 7. Three x plus 5y multiplied with 9x square minus 15xy plus 25y square. Okay, what we can say in this question? As we know, a cube plus b cube the whole cube is will be equal to a plus b, and a square प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी जैसा है कुछ और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस ए बी जैसा कुछ है. यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. ठीक है, माइनस ए बी. नाउ इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, 3x प्लस 5y, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर माइनस ए बी, दैट मीन्स 3x इंटू 5y, है ना. ये पूरा ये 15y वाला हो गया टर्म हमारा. तो अब ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी. यही वाला फॉर्म था, इसको हमने सिर्फ कन्वर्ट किया इस फॉर्म में. नाउ व्हाट विल वी डू, इसका सीधा सीधा आंसर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब. इस पूरे, है ना, इस पूरे टर्म का वैल्यू होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब. A means 3x
का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, 9x क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125 वाई क्यूब, दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3x माइनस वाई माइनस 4, 3x माइनस वाई माइनस 5, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई आर द सेम टर्म, इट विल बी ट्रीटेड एज a माइनस 4 एंड a माइनस 5, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ठीक है, सेम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 4a, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 से 20, ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू रख के फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डू एज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्स माइनस 2 बाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी वैसे ही बन रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, यहाँ a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 अपॉन x है, यहाँ देखते हैं जरा, ए स्क्वायर है, ठीक है, इसको क्या 2 अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस ए बी, ए इंटू बी, एक्स इंटू 2 अपॉन x, जैसे सॉल्व करोगे ये कट पिट करके 2 बचेगा, जो कि है यहाँ लिखा है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, और इस ये पूरा हो गया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा के दिखा देंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। नाउ है ना, फ्रॉम दिस आइडेंटिटी वी विल हैव द वैल्यू ऑफ दिस टर्म विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स होल क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। जस्ट होल्ड ऑन, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 विल बी, अभी क्या करना हमें 10 में क्या करना है, एक क्वेश्चन है x प्लस 3y प्लस 5z, है ना, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस 3xy माइनस 15yz माइनस 5zx, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम यहाँ पे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को ऑब्जर्व करेंगे, ये है क्या, ठीक है, ये कुछ ऐसा है जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, एक फॉर्मूला पढ़ाया था a प्लस बी प्लस सी, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इट विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, तो इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। कैसे हमें पता लगा कि यही यूज़ करेंगे, हमने देखा पहले ब्रैकेट में 3 टर्म है ए बी एंड सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी उसी का स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर है 9y, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, ये जो थर्ड टर्म है 25 ये इसका स्क्वायर है, मतलब हमने गेस कर लिया कि कुछ ऐसा ही सिनारियो हमारा बनने वाला है। फिर आगे ध्यान से देखते तो आगे भी वैसे ही टर्म मिल जाएंगे हमें, थोड़ा इसको हम एस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, कैसे देखिएगा बहुत केयरफुली, एक्स प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू सॉरी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y द होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर नॉट ब्रैकेट क्लोज माइनस ए बी, ए इंटू बी, एक्स इंटू 3y करते हैं जरा, एक्स इंटू 3y, इट विल बिकम माइनस 3xy जो कि हमारा आ गया। सिमिलरली 15yz को हम लिखेंगे ए बी माइनस बी सी, बी सी मीन्स बी इंटू सी, 3y इंटू 5z ए बी बी सी, 3 5 15 yz 15 yz, ओके। नाउ ए बी बी सी एंड सी ए माइनस सी ए, सी एंड ए, सी दैट इज 5z एंड ए मीन्स एक्स 5zx, ओके। नाउ
तो हमने इस पूरे इक्वेशन का जो क्वेश्चन में उसको हमने फॉर्म चेंज कर दिया और अब ये हमें लग रहा है बिल्कुल आइडेंटिटी जैसा। तो इस पूरे की वैल्यू यानी इस पूरे टर्म की वैल्यू ये होती है सिंपली, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए बी एंड सी आर वैल्यूज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस थ्री टाइम्स ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। शाश्वत आपको भी आवाज कट रही है? ये हो गया x क्यूब, ये हो गया x क्यूब प्लस थ्री का क्यूब और y का क्यूब, थ्री का क्यूब हो गया नाइन, y का क्यूब हो गया थ्री, प्लस फाइव का क्यूब हो गया 125, z का क्यूब हो गया z क्यूब, माइनस कितना आ गया, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फाइव जा 45, 45 एक्स वाई जेड। ये इसका एक्सपेंशन है, ये जो टर्म हमें दिया था क्वेश्चन में उसका एक्सपेंशन ये आता है। 27 बाई क्यूब होगा। हाँ बेटा ये 27 होगा, 3 3 9 2 27, ठीक है, ओके ये आएगा ऐसे, ठीक। नाउ इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा करके, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लाई नहीं भी करना है? नहीं, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था बेटा, 10 था ना, वो 11 होगा हमारा। 9x² + 25y² + 15xy + 12x - 20y + 16, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एक टर्म से, टर्म है 3x - 5y - 4, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। या मल्टीप्लाई नहीं भी करें अगर हम, तो सीधे कह देंगे एक्सपेंड इट या सॉल्व इट, एक्सपेंड करें या सॉल्व इट। तो हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं जरा ध्यान से। ए, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं कैसे, इसे ए मानते हैं, ए इज इक्वल टू 3x है, लेकिन b जो है, b को हम ऐसा कुछ करेंगे, इसको लिखेंगे 3x a प्लस b की वैल्यू रखेंगे -5y प्लस c की वैल्यू रखेंगे -4, और अब इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखें जरा, ठीक। तो क्या होगा, a प्लस b प्लस c, सही है, पहले ब्रैकेट में देखो, चाहे इस ब्रैकेट को इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर होना चाहिए, है इसका ऑलरेडी इसका स्क्वायर, प्लस 5y माइनस 5y का स्क्वायर करेंगे आप, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25y को स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस 15xy ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह 14 है, तो इस 16 को जरा हम ऐसे लिख लें, -4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी मीन्स ए इंटू बी, 3x - 5y, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का ऐसे लिखेंगे इसको हम 3x - 5y - -5y, ये हो गया ए बी, 3 5 15 15xy, लेकिन यहाँ तो प्लस का आ रहा है, हाँ फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, माइनस ए बी हो गया, माइनस बी सी, माइनस बी इंटू सी, बी इंटू सी, दैट मीन्स -5y - -4 माइनस बी सी, माइनस सी ए, सी इंटू ए, -4 × 3x। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है ये इतना बड़ा टर्म है, तो ये हमारा जो आइडेंटिटी मैंने पहले से पढ़ाई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली, उसी से होगा ये, तो उसको मैं लिख रहा हूँ इधर से, इसका रिवर्स ऑर्डर इस लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में हो दूसरे ब्रैकेट में हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, माइनस 3abc, इस ये होता है, इसकी वैल्यू ये होती है, तो ये हमें ए बी सी ये दिख गया, ए बी सी, इसी फॉर्म में हमने इसको पूरे को कन्वर्ट कर लिया। अब हमें बिल्कुल लग रहा है ठीक है, यहाँ ये जो है ये चीज़ें ऐसे लिखी जा सकती हैं, मतलब सीधे सीधे इसमें फॉर्मूला हम ये अप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc,
ठीक है, इसमें क्या आने वाला है देखिएगा ध्यान से रहा। तो यहाँ पे ये वैल्यू जब हम इस पूरे टर्म की यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इनटू ये वाला ब्रैकेट, यानी सिर्फ हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। दैट मीन्स दिस टर्म अबव टर्म इज विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए क्यूब मीन्स 3x, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स -5y, बी क्यूब प्लस सी क्यूब मीन्स -4 होल क्यूब। -3 इंटू ए दैट मीन्स 3x, बी मीन्स -5y एंड सी मीन्स -4, 27x³। ठीक है, इसका हो जाएगा -125y³, है ना, प्लस हो जाएगा -64 हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 हो गया, है ना, 3×3=9x इंटू 5y इंटू 4। ठीक है, फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं, 27x³ प्लस माइनस माइनस 125y³ -64, है ना, इसके बाद ये आएगा सॉल्व होने के बाद -120xy। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा, इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाहे तभी सही है, अदरवाइज यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है।